नमस्कार, शाखा नौ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। बोरोली पश्चिम में विश्व महिला दिवस निमित्त इन्फिगो आई क्लिनिक और भाजपा की प्रसिद्धि प्रमुख नीला सोनी राठौड़ द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं खुशी नायक की रिपोर्ट। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि जो पहला कदम है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। थोड़ा बताने की बात है कि ये हमारा नया सेंटर है इन्फिगो का, एंड सारे आधुनिक तकनीकियों से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। जो बेसिक एक आई चेकअप होता है, सबके मन में होता है कि आंख की प्रॉब्लम मतलब इधर चश्मे का नंबर या तो फिर मोतियाबिंद, पर इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है जिसका ध्यान रखना होता है। तो सिर्फ दो तीन पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि नॉर्मली बच्चे जो है, हर एक के घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जो है चेकअप एक फर्स्ट 3 to 5 years में, वो एक इम्पॉर्टेंट है। जो महिलाएं हैं एज वेल एज अडल्ट है उनका चेकअप जो है जो 40 ईयर्स के पहले है वो जरूरी है अपार्ट फ्रॉम नंबर, और जो 40 के बाद वाले हैं उनका हर साल में एक बार होना चाहिए चेकअप। सो अपार्ट फ्रॉम टुडेज प्रोग्राम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस सेवा का अवेल करें, और ये जो अवेयरनेस है आई के हेल्थ के बारे में वो सबको स्प्रेड करें। और यहाँ पे हमारी सुविधा है, अपार्ट फ्रॉम नंबर लेना, अपार्ट फ्रॉम जो एक कांच बिंदु या काला मोतिया जिसको बोलते हैं, आपका प्रेशर बढ़ना वो आजकल बहुत कम उम्र के लोगों में बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइनस नंबर होना, तो ये इतना फ्रीक्वेंटली आजकल दिख रहा है और ये जब तक चेक नहीं करते तब तक पता नहीं चलता। तो जो रूटीन टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग सिंपल मेडिकेशन से ये कंट्रोल में, यानी ये प्रोग्रेस ना हो, और इसका बहुत फायदा होता है क्योंकि काफी लोगों को बाद में कुछ सालों के बाद बहुत एडवांस विजन लॉस रहता है और मालूम ही नहीं पड़ता। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अपार्ट फ्रॉम अ चेकअप व्हेन तकलीफ होती है, जैसे बोलते हैं कि अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ, पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है कि मैं मेरी सेहत का ख्याल रखूंगी और हर एटलीस्ट 2 साल के बीच में एक बार एक रूटीन डिटेल आई चेकअप करूंगी, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे सबसे मिलके, एंड आई होप कि ये जो सर्विस का जो मोटो आप सब महिलाओं ने जो ठान लिया है ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। थैंक यू। महिलाओं को ऐसे आगे आना चाहिए, आपने कहा कि महिला आगे नहीं आती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं ने पहले तो महिलाओं ने अपने खुद का ध्यान रखना चाहिए। हम पूरा अपने पूरे संसार का, अपने अपने कुटुंब का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना खुद का नहीं रखते। मैं तो पहले बोलती हूँ, जब महिलाओं की शादी होती है, शादी से भी पहले उसने अपना चेकअप हमेशा करना चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा आता है, ये आने का अपना एक तो एटमोस्फियर है, ये जो वातावरण है ये इतना दूषित है कि ये तो होने वाला ही है। तो उसके लिए महिलाओं ने अपने बच्चियों को भी अपने चेकअप करना चाहिए। ये इसके बारे में तो महिलाओं ने अपना खुद का ध्यान हमेशा रखना ही चाहिए। क्यों, आज मेरा सर दुख रहा है लेकिन मेरा सर बाम लगा के गोली लेके बंद हो जाएगा, थोड़े दिन में वापस दो दिन में दुखता है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो क्यों दुख रहा है उसका पहला ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये तो ये पेट में दर्द करता है, महिला ने जाने दे गोली ले आज ठीक हो गया, ऐसे तो हमेशा होता है, लेकिन पेट में क्या है अंदर वो हम लोग को नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन वो पेट में क्यों दुख रहा है उसका पहला जांच होना चाहिए। महिलाओं ने हर साल में अपनी जांच करना जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने जो महिला दिवस के दिन से रखा है, 10 दिन के लिए, ये क्या है? क्योंकि एक दिन के लिए सब लोग रखते हैं, एक दिन के बाद में बंद हो जाता है, लेकिन अगर 10 to 15 days जो 14 days आपने उसके लिए रखा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आइडिया? भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने इन्फिगो आई केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन पिछले महीने किया था, और तभी उन्होंने सभी को बताया था कि इसका ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक लोगों तक इन्फिगो आई केयर सेंटर का लाभ होना चाहिए। और उस विषय को प्रेरणा लेकर हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी, कार्य सम्राट आमदार हैं, उनकी प्रेरणा लेकर
और हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के कहने अनुसार, उनके आदेश अनुसार, मैंने 8 मार्च महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखकर इन्फिको के साथ में हमारा ये टाइप हमने किया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई की प्रत्येक महिला का, अधिक से अधिक महिला और महिलाओं की उनकी सुपुत्रियों का हम यहाँ पर चेकअप करवाएंगे। तो एक ही दिन में सबको लाना मुश्किल है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है और कोरोना है। तो हमने आज एक प्रतीकात्मक रखा है, 20 महिलाओं को, 22 महिलाओं को बुलाया है, और बाकी 8 तारीख से रोज 5 महिला अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार सुबह 10 से शाम 7 में इन्फिगो आई केयर सेंटर का लाभ ले रही है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगी श्रीधर ठाकुर जी, इसके जो डॉक्टर हैं, और इन्फिगो आई केयर सेंटर के पूरे महाराष्ट्र में इनकी शाखाएं चल रही है, 40 शाखा खोलने का इनका है। तो ये 9वीं है अपनी, 12th, अच्छा ये 12वीं शाखा, यानी एक दर्जन शाखा अभी तक खुल चुकी है। ये 12वीं शाखा में हम सब महिलाएं आज उपस्थित हुई है, डॉक्टर श्रीधर ठाकुर जी और चेयरपर्सन हमारे डॉक्टर अनिल कामत जी, हम इन दोनों का, और इस हॉस्पिटल के वती डॉक्टर पद्मिनी नाइक ने आज स्पेशल अटेंडेंस दिया है महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। 8 से 18 डॉक्टर पद्मिनी नाइक यहाँ पर महिलाओं का चेकअप, उनकी बेटियों का चेकअप करने वाली है। और आज हमने इन्फिगो के द्वारा, हमको डॉक्टर विनीत सवाड़ी यहाँ पर हमारे साथ में संपर्क में थे, डॉक्टर स्नेहा जी हमारे साथ संपर्क में थी, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। 5-5 महिलाओं के लिए कूपन्स हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए कि कोई भी 5 महिला 50% डिस्काउंट में आकर यहाँ पर अपना चेकअप और पूरा ट्रीटमेंट ले सकती है, और जांच पूरी निःशुल्क की है। इसके लिए मैं इन्फिगो, डॉक्टर अनिल कामत और डॉक्टर श्रीधर ठाकुर जी का और डॉक्टर पद्मिनी नाइक जी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं को कदम आती है वापस लगाने में, ये बातें अभी हुई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं एक बहुत, ये विषय थोड़ा संवेदनशील विषय है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है महिला जब उसको चश्मा आता है, क्योंकि चश्मा आएगा तो मैं मेरे परिवार के सामने बूढ़ी दिखूंगी या मैं बदसूरत दिखूंगी, ऐसी एक भावना कहीं ना कहीं बहुत सी महिलाओं में होती है। मैं सारी महिलाओं में होती है ऐसा नहीं होती, लेकिन ऐसी संवेदना एक महिला को अंदर ही अंदर आती है, और इसलिए वो महिला टेस्ट नहीं करवाती, इसलिए जांच नहीं करवाती, इसलिए चश्मा नहीं पहनती है कि मैं बदसूरत दिखूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्फिगो जैसे आई केयर सेंटर के द्वारा ऐसे ऐसे लेटेस्ट चश्मा भी आ गया है कि आप जितनी सुंदर हो उससे ज्यादा सुंदर दिखती हो। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आजकल की आधुनिक शैली में अब महिला ने स्वयं जागरूक होना चाहिए। अपनी बेटी, मेरी बेटी खुद कंप्यूटर पे पूरा दिन, अभी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, तो मैंने उसका जांच करवाया कि भाई नहीं, आपका जांच होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर के और आपके आई के बीच में भी एक चश्मा, जो चश्मा नहीं है लेकिन एक ग्लास आना चाहिए, वो ग्लास हमने ब्लू फ्रेम ग्लास कुछ उसको बोला जाता है, वो हमने उनको प्रोवाइड किया है। तो मैं हर माता बहनों से आज के दिन पे, और जो लोग शाखा न्यूज 9 को सुन रहे हैं खुशी नाइक जी के जरिए और हमारे फखरुद्दीन हाशमी जी के जरिए, मैं आप दोनों का शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने यहाँ पर आकर ये कष्ट किया है कि इस बात को फैलाने का काम किया है। तो मैं शाखा 9 न्यूज उसके द्वारा भी आप सबको आह्वान करती हूँ कि अपनी बेटी का, अपने बच्चों का जाकर इन्फिगो आई केयर सेंटर में टेस्ट करवाइए और इस चीज का लाभ लीजिए, और उनको अपने आंखों को, नेत्रों को मजबूत करने का काम करिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसा आपको लगता है कि और भी महिलाओं को आगे आना चाहिए जिसको ग्लासेस नहीं है, सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं सोचते हैं कि बाम लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा? मेरे हिसाब से महिलाओं को आना चाहिए, इस बाम लगाने की जरूरत नहीं रहती है। जब भी आपको तकलीफ होती है, आप उसका सोल्यूशन नहीं लाएंगे तो उसका नहीं निकलेगा। तो आपको आना ही चाहिए आई के इंडिगो आई केयर सेंटर में, और अपना जो भी है चश्मे का नंबर है तो उसका निकाल के चश्मा भी पहनना चाहिए, उसका सोल्यूशन होता है। सर दुखने का गोली, बाम लगाने का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप कितने साल के ग्लासेस या स्पेक्स लेते हैं? 3 to 4 years। 3 to 4 मैं 9 to 10 years से जॉब कर रही हूँ। ओके, मुझे 3 to 4 years पहले ही आया है स्पेक्स, बट मैं, मुझे कम नंबर था तो मैं कभी कभार डालती हूँ जस्ट जब काम करती हूँ तभी। ओके, तो मतलब आपके इससे पता चलता है कि अगर लोगों को तुरंत टेस्टिंग करवा दी जाए और नंबर कम हो तो उसको ग्लासेस फुल टाइम पहनने की जरूरत नहीं? फुल टाइम पहनने की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर भी बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग जब भी काम करोगे पर तभी पहन के रखोगे तो जल्दी नंबर निकल जाएंगे, तो हम लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूसली पहनने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सेलिब्रेशन है,
है क्योंकि अरे बस ठीक है, आप कैसे हैं? हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। मैं खुशी लाए फखरुद्दीन हाशमी के साथ शकल अलर्ट।